नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए तो उन्होंने वादा किया कि 10 लाख रोजगार देंगे और कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया भी गया और ऐसे में उन्होंने कहा कि 17 महीने में उन्होंने नौकरी देने का काम किया है और इसी लकीर पर हर कोई चल रहा है। अब तेजस्वी यादव के बाद सम्राट चौधरी भी ये कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे और उनमें से 3,50,000 नौकरी जो होगी वो केवल महिलाओं को मिलेगी। तो देख सकते हैं कि कुछ युवा बैठे हैं, उन्हें किस पर विश्वास है ये जानते हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि नौकरियां देंगे, कुछ लोगों को नौकरियां दी भी। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि नौकरियां देंगे। क्या लगता है किस पर विश्वास है आपको ज़्यादा? हम क्या बोलेंगे, तेजस्वी यादव पे ज्यादा विश्वास है, दे सकते हैं वो। लगता है नौकरियां देंगे? हाँ, दे सकते हैं। नीतीश कुमार पर। लेकिन नौकरियां तो तेजस्वी यादव देने की बात कह रहे थे ना। नीतीश कुमार दे दिया नौकरी, कितना नौकरी देंगे बताइए आप। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि हमने नौकरियां दी, क्रेडिट ले रहे नीतीश। सरकार है भाई, मुख्यमंत्री कौन? आप मुख्यमंत्री की बात मानेंगे, उपमुख्यमंत्री की बात मानेंगे? मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार तो कहा ना कि हमने ही करवाया, इतने साल से तो थे सत्ता में लेकिन उन्होंने तो करवाया नहीं। नौकरियां नहीं दी, उसके बदले क्या क्या नहीं दिया बताइए आप। आज जो लड़कियां पढ़ती है वो किसका देन है? नीतीश कुमार का देन है। स्कूल में मतलब फंड दिया हाई स्कूल में कि लड़कियां पढ़े, इस वजह से तो वो सब नीतीश कुमार का देन है। आप देख रहे हैं बिहार में शराबबंदी हर तरह की, इससे आप नीतीश कुमार बेटर है मेरी नज़र से। सबका अपना अपना नजरिया है। अच्छा, अब सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां देंगे, लग रहा है 10 लाख नौकरियां मिलेंगी? बिहार में तो नामुमकिन है, नामुमकिन है ये बात। तेजस्वी यादव ने भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा था। देखिए, सरकार में उपमुख्यमंत्री था, कुछ हिस्सेदारी उनकी भी थी, हो सकती है कि वो का ही था। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार, सरकार नीतीश कुमार की है तो उन्होंने दिया, मेरा ये मानना है। क्या लगता है सर? नहीं, ये घोषणा तो सरकार बनने से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी का ही था, लेकिन ये सरकार में है मुख्यमंत्री, क्रेडिट ये लेना चाह रहा है, लेकिन उनका भी योगदान है इसमें। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि हमने जो लकीर खींची उसी पर सब चल, उसी का ये है, उसी का है। जब नीतीश भाजपा में थे तो ये कह रहे थे कि फंड नहीं है, कहाँ से इतनी नौकरी देंगे, तो ये घोषणा तो तेजस्वी यादव ने किया था। अब सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि 10 लाख नौकरी, वो बोलने वाली तो बात छोड़िए, अभी जो घोषणा तेजस्वी यादव ने किया था तो वो तो पूरा किया, भले ही वो उपमुख्यमंत्री था अभी और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री था, तो क्रेडिट तो मुख्यमंत्री को मिलेगा, लेकिन योगदान अच्छा रहा तेजस्वी का। और हम ये भी ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जो है कुछ पिछड़ेगा, इसलिए कि बहुत सारे वादा किए थे लेकिन वो पूरा नहीं किए थे। आज नियोजित शिक्षक जो है यहाँ एग्जाम देने के लिए आए हैं और इससे पूर्व जो है अपनी जो है क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने ये घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दूंगा और सारी जो है जितनी भी मांग है उनका मैं पूरा करूंगा। ये लेकिन ये इसमें वो पिछड़ गए, इसलिए आज जो है जो शिक्षक वर्ग है तेजस्वी से खास तौर से वो खफा। लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा ना कि 17 महीने ही केवल उन्हें मिले, अगर इससे ज़्यादा समय मिलता, अगर इस क्षेत्र में हो या कई और भी क्षेत्र है उसमें भी तेजस्वी यादव नौकरियां और देते, ये तेजस्वी यादव ने खुद नहीं, वो दे सकते थे वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनकी सरकार, हाँ, सरकार रहती तो वो होती, लेकिन अभी सरकार तो भाजपा की है, भाजपा गठबंधन की है सरकार। क्या लगता है सम्राट चौधरी 10 लाख नौकरियां देंगे या नहीं? वो फॉल्स है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बीजेपी जितने भी कर रहे हैं सब झूठे हैं, सब अब तक किसी को नहीं दिए नौकरी। लेकिन अब तो कह रहे हैं ना कि अब 10 लाख नौकरियां देंगे, फॉल्स है ये, नहीं देगा। शिक्षकों को जो है वह बीजेपी की सरकार उलझा रही है और ये सक्षमता परीक्षा लेकर के उनको जो है अपने जिले से जो है अलग अलग जिला देना, जब सम्राट चौधरी जो है विपक्ष में थे तो निजो शिक्षकों के पक्ष में जो है वो बहुत धिंधुरा पीट रहे थे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार में आने के बाद देखिए, हाँ, और सरकार हमने क्या सर, क्या लगता है कौन नौकरियाँ देगा? 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने भी की और अब सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि मतलब सम्राट चौधरी देंगे 10 लाख। और ये है कि अगले नेक्स्ट टाइम में अगर सरकार तेजस्वी की होगी तो बहुत जल्द से जल्द 10 लाख नौकरी देंगे, जी हमको लगता, उम्मीद है। और भी छा, क्या लगता है सम्राट चौधरी नौकरियां देंगे या तेजस्वी यादव?
बोलिए क्या लग रहा है आप लोगों को, कौन नौकरियां देगा? कौन चीज बोल रहे हैं? क्या लग रहा है कौन नौकरियां देगा, तेजस्वी यादव देंगे या सम्राट चौधरी देंगे, क्योंकि वादा दोनों ही कर रहे हैं। देखिए सरकार तो यहाँ आता है, कोई भी सत्ते में आता है सब वादा करता है, लेकिन सब फिर बाद में मुकर जाता है। जो बेटर जिसको जैसा लगे वो उसको वोट दे। लेकिन तेजस्वी यादव तो हर जगह घूम रहे, यही चीज कह रहे कि हमने इतनी नौकरियां दी है, इतना ज्यादा रोजगार हमने दिया है लोगों को। देखो मैं तो इसके बारे में बता नहीं सकता, ये टीचर का एग्जाम क्यों लिया जा रहा है मैं, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो लेके आया हूँ यहाँ। रीजन क्या है, किस लिए लिया जा रहा है, तो आप पूछिए टीचर लोग से। तो सम्राट चौधरी पर लगता है विश्वास है, उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियां दे देंगे। देखिए वादा तो सभी नेता करते हैं, क्या पता आगे जाके मुकर जाए। क्या लगता है सर कौन नौकरियां देगा 10 लाख? क्या लगता है सर कौन नौकरियां देगा 10 लाख? ये तो तेजस्वी जी दे सकते हैं। तेजस्वी जी वही देंगे। सम्राट चौधरी भी वो तो नहीं, वो वादा करते हैं, लेकिन कहाँ, आप तो जो वादा किए थे कि हमें विपक्ष में जब वो थे जो वादा किया, अभी उनकी सरकार बनी है ना, तो कहाँ वो उस वादे को पूरा कर रहे हैं। तो सामान्य काम सामान्य वेतन में वो वादा किए थे ना, उसका तो कोई मतलब वादा नहीं पूरा नहीं किया अब तक। उनकी सरकार अभी है ना, उनको देना चाहिए ना, और अभी इनकी सरकार है। और ये जो शिक्षक हैं अभी जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ये, तो वो कह रहे हैं कि हम दूसरे जिलों में ये नहीं ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बस यही उम्मीद है, यही उम्मीद है उनसे। अब वो पूरा कर ले तो हो सकता है कि मतलब वो अपने वादे में निभा ले अपने। क्या लगता है कौन 10 लाख नौकरियां देंगे? तेजस्वी जी ने भी किया, सम्राट जी ने भी। अभी तो नौकरी नीतीश कुमार दिए हैं, आगे भी नीतीश कुमार ही नौकरी देंगे। लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं हमने उनको कहा तब इतनी नौकरियां। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री कौन थे? नीतीश कुमार थे ना उप मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इससे पहले भी नौकरी नीतीश कुमार दिए थे ना, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले नौकरी मिला है। नौकरी किसने दिया? नीतीश कुमार ने नौकरी दिया। 2007 में जो नौकरी वाली थी इतनी बारी हुई, 4.5 लाख टीचर वाली हुई, वो नीतीश कुमार ने दिया। 2010 में भी बाली हुई नीतीश कुमार ने दिया, 2016 में बाली हुई नीतीश कुमार दिया, अभी भी नीतीश कुमार ही दिए। अच्छा आप फिलहाल किस पर भरोसा है, तेजस्वी यादव पर या फिर सम्राट? नहीं नीतीश कुमार पर ही भरोसा है। नीतीश कुमार, हाँ, पर भरोसा है। वो पार्टी कोई भी गठबंधन के साथ में हो दिक्कत नहीं है, मगर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने रोजगार कौन देगा? अगर इन दोनों नेताओं की बात करें, नीतीश कुमार के अलावा तेजस्वी यादव या सम्राट चौधरी की बात करें, तो क्या लगता है कौन रोजगार दे सकता है? नीतीश कुमार दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं दे सकते हैं। क्या लगता है सर कौन 10 लाख नौकरियों का वादा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कर रहे हैं, कौन रोजगार देगा, क्या लगता है आप लोगों को? रोजगार जो देश के बच्चों के लिए बेकारों के लिए देगा, वही सबसे बड़ा काम करता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे और कोई हो। सम्राट चौधरी भी वादा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने भी वादा किया। वादा इज नॉट ए बिग थिंग, वादा इज नॉट ए बिग थिंग, टू फुलफिल इट इज द बिग थिंग। तो लगता है फुलफिल करेंगे? हां ऑफ कोर्स तेजस्वी करेंगे, इट मे बी फुलफिल्ड इफ वन इज प्रोमाइज्ड टू द पब्लिक, इट मस्ट बी फुलफिल्ड। सो हु विल फुलफिल द प्रॉमिसेस, तेजस्वी यादव और सम्राट? आई डोंट नो इफ वन इज going to fulfill the promises, Samrat Chaudhary or Tejaswi Yadav? But I don't want to clarify that who is going to fulfill the his promise, that a person he is said to be honest, who that is fulfill his promise, that person is called an honest person. Do you believe in Tejaswi Yadav or in Samrat Chaudhary? But I don't know the who. Koi nahi. Kis par vishwas hai sir, kaun rozgar dega, Tejaswi Yadav ya Samrat Chaudhary? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी देंगे, 10 लाख नौकरी का वादा किए हैं। वो तो किए हैं। देंगे 10 लाख? वो कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जो बोलते हैं जो कोई जरूरी देते हैं थोड़ा। देख सकते हैं कि जिस तरीके से 10 लाख नौकरियों का वादा तेजस्वी यादव ने किया था, और उसके बाद अब कल मंच से सम्राट चौधरी ने भी घोषणा की कि 10 लाख नौकरियां देंगे, और उसमें से 3,50,000 नौकरियां जो है वो केवल महिलाओं को मिलेंगी। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने एक वक्तव्य के दौरान ये भी कहा था कि लकीर तो उन्होंने ही खींची है और उसी पर चलने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जनता से बात कर रहे थे कि जनता को आखिर किस पर विश्वास है, कौन 10 लाख नौकरियां दे सकता है, क्योंकि वादा तो दोनों ने ही किया। ऐसे में क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया थी वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।